दबंगई सामने आई है। समर्थकों के साथ घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता की है ग्राम प्रधान ने। महिलाओं को दी है भद्दी भद्दी गालियां और मारपीट भी की है। पीड़ित परिवार ने प्राथमिक विद्यालय परिसर में पौधे लगाए थे। पौधे हटाने को लेकर परिवार से जो प्रधान है वो लड़ने को तैयार हो गया और मारपीट की है। विवाद के दौरान धक्का मुक्की में प्रधान को भी चोट लगी है। ये वीडियो है इस पूरी घटना का। पौधे हटाने को लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ जो मारपीट में तब्दील हो गया। प्रधान की दबंगई देखने को मिली है। और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां इस्पात की चादरों से लदे ट्रक जो है वो लूट का खुलासा हुआ है। बदमाशों ने चालक को बंधक बनाकर ये ट्रक लूटा था। कार सवार 7 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। लुटेरों के पास से ट्रक व इस्पात की चादरें भी बरामद की गई हैं। बुलंदशहर का ये मामला है। यहाँ इस्पात लदे ट्रक को जो इन्होंने लूटा था, उस घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और जो भी आरोपी हैं उनको हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो आरोपी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं हमने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने चालक को बंधक बनाकर इस ट्रक को लूटा था और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 19/20 की रात के समय थाना कोतवाली देहात के मंडी चौकी क्षेत्र में एक ट्रक जो फरीदाबाद हरियाणा से उत्तराखंड जा रहा था काशीपुर जनपद के लिए, उसमें लोहे की चादरें लगभग 18 टन के आसपास थी और उसको कार सवार 6 बदमाशों के द्वारा कब्जे में करके लूट लिया गया था। लगातार हमारी स्वाट की टीम प्रयास कर रही थी। इंस्पेक्टर स्वाट सुधीर त्यागी और इंस्पेक्टर अखिलेश गौर के नेतृत्व में पूरी टीम ने बहुत ही परिश्रम के साथ तकनीकी तरीकों का सहारा लेते हुए गाड़ी को ट्रेस किया, अभियुक्तों को ट्रेस किया और एक पुलिस मुठभेड़ में ये अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 100% लूटा गया माल और वो ट्रक बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार 6 अभियुक्त में से 3 बुलंदशहर जनपद के रहने वाले हैं और 3 गौतम बुद्ध नगर के हैं। एक अन्य 7वां अभियुक्त भी गिरफ्तार किया गया है जो लूट की घटना के बाद इसमें जो माल था उसको बेचने की प्रक्रिया में शामिल। और अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां